नमस्कार दोस्तों, भारतीय सभ्यता और संस्कृति विश्व विख्यात है। इसी कारण विश्व भर में सभ्यता व संस्कृति को पास से समझने में हर कोई उत्सुक रहता है। भारत में कई चीज़ें बेहद विशेष हैं जो भारतीय रूप रंग संस्कार भोजन का श्रृंगार कर उसे यादगार बना देती है। देश के कोने कोने में भारतीय भोजन को स्वादिष्ट बनाने में इसका खास तौर से प्रयोग किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि आखिर यह कौन सा पदार्थ है जो इन सभी चीज़ों को बेहतरीन बनाता है? भारतीय भोजन में विश्व भर की तुलना में अधिक मसाले प्रयुक्त किए जाते हैं। इनमें प्रमुख तौर से हल्दी ही एक ऐसा मसाला है जिसे गुणों की खान कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सर्दियों के मौसम में हल्दी की गांठ का उपयोग सबसे अधिक लाभदायक होता है। कच्ची हल्दी में हल्दी पाउडर की अपेक्षा ज़्यादा गुण होते हैं। हल्दी का उपयोग पाचन तंत्र को सुधारने में, सूजन कम करने में और शरीर के शोधन में किया जाता है। इसमें पाए जाने वाले तत्व कैंसर के रोग से लड़ने के लिए भी जाने जाते हैं। रूप निखारने में करती है मदद। हल्दी का उपयोग त्वचा को चमकदार और स्वस्थ रखने में भी होता है। इसके एंटीसेप्टिक गुणों के कारण भारतीय संस्कृति में विवाह के पूर्व पूरे शरीर पर हल्दी का उबटन लगाने की रस्म निभाने की परंपरा है। आधा कप दूध की मलाई में 2 चम्मच हल्दी मिलाकर प्रयोग करने से त्वचा कांतिमय हो जाती है। अगर चेहरे पर कहीं दाग और धब्बे हैं तो हल्दी और काले तिल समान मात्रा में लेकर पानी डालकर पीसकर पेस्ट बनाकर इस्तेमाल करने से 5-7 दिनों में ही चेहरे के सभी दाग धब्बे और झाइयाँ खत्म हो जाती हैं। डायबिटीज़ को करता है कंट्रोल। कच्ची हल्दी इंसुलिन के स्तर को संतुलित करती है, इसलिए यह मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत लाभदायक होती है। इंसुलिन के अलावा यह ग्लूकोज को भी नियंत्रित करती है जिससे मधुमेह के दौरान किए जाने वाले उपचार का असर बढ़ जाता है। परंतु शुगर के बढ़े हुए स्तर की दवाइयां चल रही हैं तो हल्दी के उपयोग से पहले चिकित्सक की सलाह लेना अत्यंत आवश्यक है। हल्दी के नियमित सेवन से ग्लूकोज का लेवल कम और टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा टल जाता है। कफरोधक होने से मधुमेह रोगियों के लिए यह फायदेमंद है। शरीर को डिटॉक्स करने में करती है मदद। शरीर में जमा टॉक्सिन को दूर करने के लिए सफाई की ज़रूरत होती है। बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए गर्म पानी में नींबू, हल्दी पाउडर और शहद मिलाकर पीने से शरीर के विषैले पदार्थ बाहर निकलने लगते हैं। कुछ ही दिनों में कई बीमारियां अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। साथ ही हल्दी का नियमित उपयोग वजन को तेज़ी से कम करता है। फोड़े फुंसियों को करता है समाप्त। फोड़े फुंसियों को समाप्त करने में इसका उपयोग बेहद लाभकारी है। एक प्याज को आग में सेक कर इसकी 4 परत लेकर उन पर पीसी हुई हल्दी डालकर जितना गर्म सहन हो उतनी गर्म परतें फोड़े पर रखकर ऊपर पीपल का पत्ता रखकर नित्य सुबह शाम 2 बार पट्टी करने से फोड़ा बैठ जाएगा या फिर फोड़ा पककर फूट जाएगा। कैंसर से लड़ने में करती है मदद। यह पुरुषों में होने वाले प्रोस्टेट कैंसर के कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकने के साथ साथ हल्दी इन्हें खत्म भी कर देती है। यह हानिकारक रेडिएशन के संपर्क में आने से होने वाले ट्यूमर से भी बचाव करती है। अतः कच्ची हल्दी में कैंसर से लड़ने के गुण होते हैं। हृदय रोगों से रखती है सुरक्षित। हल्दी के लगातार इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल सेरम का स्तर शरीर में कम बनता है। कोलेस्ट्रॉल सेरम को नियंत्रित रखकर हल्दी शरीर को हृदय रोगों में सुरक्षित रखती है। इन्फेक्शन को रोकती है हल्दी। हल्दी के सेवन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। कच्ची हल्दी शरीर में बैक्टीरिया की समस्या से बचाव करती है, बुखार होने से रोकती है। इसमें शरीर को फंगल इन्फेक्शन से बचाने के गुण भी होते हैं। कच्ची हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। यह सोरेसिस जैसे त्वचा संबंधी रोगों से बचाव करती है। पेट के कीड़ों को करें दूर। पेट में कीड़े होने पर हल्दी का इस्तेमाल फायदेमंद होता है। आधा चम्मच पीसी हुई हल्दी को गर्म पानी के साथ 2 सप्ताह तक सुबह शाम 2 बार लेने से जल्द ही पेट के कीड़े मर जाते हैं। बच्चों के पेट में कीड़े होने पर हल्दी का कम मात्रा में प्रयोग किया जा सकता है। गठिया रोगियों के लिए है वरदान। हल्दी में सूजन को रोकने का खास गुण होता है। इसके उपयोग से गठिया रोगियों को अत्यधिक लाभ पहुंचता है। यह शरीर के प्राकृतिक सेल्स को खत्म करने वाले फ्री रेडिकल्स को खत्म करती है। गठिया रोग में होने वाले जोड़ों के दर्द में लाभ पहुंचाती है। किसी भी प्रकार के पुराने दर्द, जोड़ों के दर्द व त्वचा के रोगों में यह उपयोगी है। शरीर में कहीं भी दर्द होने पर 1 गिलास दूध में 1 चम्मच हल्दी मिलाकर पीने से तुरंत राहत मिलती है। अस्थमा में है लाभदायक।
हल्दी अस्थमा जैसे सांस के रोग में राहत पहुंचाती है। 60 ग्राम पीसी हुई हल्दी 4 चम्मच देशी गाय के घी में सेककर कांच की शीशी में भरकर रख लेनी चाहिए। रोजाना इस हल्दी का आधा चम्मच गर्म दूध के साथ दिन में 3 बार नियमित रूप से प्रयोग करने से जल्द ही दमे के रोग में लाभ प्राप्त होता है। रक्त संचार भी बेहतर होता है। इम्यून सिस्टम को करती है मजबूत। कच्ची हल्दी से बनी चाय अत्यधिक लाभकारी सिद्ध हुई है। इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। हल्दी लीवर को भी स्वस्थ रखती है। हल्दी के उपयोग से लीवर सुचारू रूप से काम करता रहता है। जुकाम और खांसी में है हितकारी। जुकाम में 5 काली मिर्च पीसकर आधा चम्मच पीसी हुई हल्दी में मिलाकर गर्म पानी में घोलकर पीने से जुकाम ठीक हो जाता है और खांसी की समस्या भी नहीं रहती। इस प्रयोग के बाद 1 घंटे तक पानी और कोई ठंडा पेय पदार्थ नहीं पीना चाहिए। खांसी होने पर 1 गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच हल्दी और मिश्री मिलाकर सेवन करने से खांसी की समस्या जड़ से खत्म हो जाती है। स्टेमिना बढ़ाने में है लाभदायक। 1 गांठ कच्ची हल्दी की लेकर पीसकर इसका रस निकालकर समान मात्रा में शहद मिलाकर चाटने से स्टेमिना बढ़ता है। एक अन्य उपाय में 250 ग्राम पीसी हुई हल्दी को गाय के घी में सेककर चूर्ण बनाकर रख लेना चाहिए। रात को सोते समय 1 चम्मच चूर्ण गर्म दूध के साथ फक्की लेने से जल्द ही शरीर में मर्दाना ताकत और स्फूर्ति लौट आती है। चोट के घाव को शीघ्र भरे। चोट के कारण शरीर पर कहीं घाव हो गया हो तो हल्दी की छोटी गांठ को पानी में पीसकर घाव पर लेप करने से घाव जल्दी भरता है, दर्द भी कम होता है। विशेष तौर से रखें ध्यान। यद्यपि कच्ची हल्दी अदरक की तरह दिखाई देती है, इसे जूस में डालकर, दूध में उबालकर, चावल के व्यंजनों में डालकर, अचार के तौर पर, चटनी बनाकर और सूप में भी उपयोग किया जा सकता है, फिर भी कुछ लोगों पर इसके सेवन का विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। जिन लोगों को हल्दी से एलर्जी है उन्हें पेट में दर्द या डायरिया जैसे लक्षणों का सामना करना पड़ सकता है। गर्भवती महिलाओं को कच्ची हल्दी के उपयोग से पहले चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि इससे कभी कभी खून के थक्के जमना भी कम हो जाता है, जिससे रक्त का बहाव बढ़ जाता है। और साथ ही अगर किसी की सर्जरी होने वाली हो तो उन्हें कच्ची हल्दी का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सो दोस्तों, यह थी हल्दी से जुड़ी जानकारी। हर दिन नए और बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए चैनल D5 हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह के बेहतरीन आर्टिकल्स पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें। जुड़े रहें चैनल D5 हिंदी के साथ।